हेलो एवरीवन, मैं श्वेता अपने मॉम्स होम किचन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज बनाना सिखाऊंगी लेमन और कोरिएंडर सूप, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको कोल्ड और कफ है तो बिल्कुल परफेक्ट सूप है आपके लिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आइए प्रिपरेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेमन एंड कोरिएंडर सूप के लिए। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून बटर लिया। मैंने 4 to 5 मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है। इसे 1 मिनट तक इसे फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। एक हरी मिर्च डाला है मैंने, ये हल्का लाइट रेड हो चुका है। अब इसमें अनियन डाल लेते हैं, 1/2 chopped onion। इसे 1 मिनट तक पका लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 मिनट के लिए अपने प्याज को अच्छी तरह से पका लिया है। अब मैं यहाँ पे 1/4 कटोरी मैं यहाँ पे कैबेज डाल रही हूँ, बहुत ही मैंने चॉप कर लिया था छोटे छोटे पीसेस में। इसके अलावा मैं यहाँ पे गाजर डाल रही हूँ, कैरेट, इसे भी मैंने 1/4 चप लिया है। इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो इस सूप की सबसे ख़ास बात ये है कि अगर आपको कोल्ड है तो सबसे परफेक्ट इस वक्त आपके लिए सूप है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, कोल्ड के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बहुत अच्छा है। तो इसे 1 मिनट पका लेते हैं। तो 1 मिनट हो चुका है, मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। और अब मैं यहाँ पे वेजिटेबल स्टॉक डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 कप डाल रही हूँ, 2 से 3 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह चला लेते हैं। इसके अलावा मैं 2 टेबल स्पून लेमन जूस बना रही हूँ। लेमन जूस में विटामिन सी होता है, जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, कोल्ड में भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी के साथ मिक्स कर लिया था। अब इसे हम डाल लेते हैं और सॉल्ट डाल लेंगे एज पर टेस्ट। टेबल सॉल्ट डाल लेते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे थोड़ा चला लेते हैं। अब इसे हमें 2 मिनट तक पकाना है। ये सूप आपका 5 से 6 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने जितने भी वेजिटेबल्स डाले हैं, मैं सिर्फ 1-1 मिनट के लिए इसे सॉर्ट कर रही थी। अब इसे हमें 2 मिनट के लिए इसे पकने देना है। तो यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुका है और मैं यहाँ पे कुछ कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ और आपका सूप बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए आइए सर्व कर लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो आइए वेजिटेबल सूप को सर्व करते हैं स्पून के साथ। तो मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना फीडबैक देना मुझे ना भूलें कमेंट बॉक्स में। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। सो बाय बाय, थैंक यू।